प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसा कि सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल 2022 से किस तरीके से देश के सभी प्रधानमंत्रियों एक छत के नीचे उचित सम्मान देकर उनके कार्यों को देश की जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। Krishna Menon was open in his support of Mrs. Gandhi. Her opponent was the former finance minister, Morishai Desai. Indira Gandhi is the daughter of the late Premier Nehru, father of independent India. She is perhaps the only person in the country whose election would not split the Congress party. It was a proud day also for her aunt, Mrs. Pandit. संग्रहालय में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह संग्रहालय आधुनिकतम तकनीक के साथ बनाया गया है, जहां आप तकनीक के साथ अपने मोबाइल फ़ोन में ऑडियो गाइड ऐप डाउनलोड करके संग्रहालय के अंदर जितने भी एग्जिबिट्स पर वीडियोस प्लेस हो रहे हैं और उनमें ऑडियो अवेलेबल है, उनमें ऑडियो उपलब्ध है, तो आप ऑडियो गाइड ऐप के मार्फत अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आसानी से उन ऑडियो को सुन सकते हैं। साथ ही साथ ऑडियो गाइड डिवाइस की भी व्यवस्था की गई है कि जो व्यक्ति या जिनके मोबाइल में ऑडियो गाइड ऐप डाउनलोड होने में किसी तरह की समस्या या परेशानी होती है तो आप ऑडियो गाइड डिवाइस हमारे संग्रहालय से लेकर आप ऑडियो सुन सकते हैं। Many years ago, Prime Minister Narendra Modi felt the need for a museum of prime ministers, and it was decided to locate this museum here because in the Teen Murthy complex, which is spread over 28 acres, we had a lot of space for building a museum of this sort. देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित इस संग्रहालय सिर्फ देश के प्रधानमंत्रियों के कार्यों को ही संग्रहित नहीं करता, बल्कि यहाँ पर देश के संविधान को भी उचित स्थान दिया गया है। जब हम संग्रहालय में प्रवेश करते हैं, स्वागत कक्ष जिसको हम वेलकम एरिया कहते हैं, वहाँ से परिचय रूम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली गैलरी परिचय गैलरी के बाद वह गैलरी देश के संविधान की बनने की पूरी यात्रा को समर्पित है कि संविधान बनाने में किन किन लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन तमाम महान विभूतियों के अलावा लगभग 284 लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इसके बारे में एक ये सोच आई कि इट कैन ऑल्सो बी एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द कॉन्ट्रीब्यूशंस वर्क्स एंड द लीडरशिप ऑफ नॉट ओनली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बट ऑल द अदर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। संविधान कक्ष में जब हम आगे बढ़ते हैं, जो संविधान को गैलरी को संविधान निर्माण की जो गैलरी समर्पित है उसमें एक जगह पर आप देखेंगे डेमोक्रेटिक इंडिया गैलरी, वहाँ पर संविधान की एक कॉपी भी रखी गई है। वह बहुत महत्वपूर्ण कॉपी है जो हमारे देश का ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, उससे सबसे पहले 1000 कॉपीज प्रिंट की गई थी देहरादून की प्रेस में। उन 1000 कॉपीज में से एक कॉपी प्रधानमंत्री संग्रहालय के पास है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि टच स्क्रीन के थ्रू आप रीजनल लैंग्वेज में भी, अगर आपको हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती, देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं और 22 भाषाओं को संविधान के तहत अंगीकृत किया गया है, तो उस संविधान में आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में आप संविधान को पढ़ सकते हैं, संविधान से संबंधित जानकारी को देख सकते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू को 1948 में ये इस जगह को ऑफर किया गया, को उनको भी इस जगह पे रहना, इस बिल्डिंग में रहना है, तो बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते कि वो किसी बड़े से बिल्डिंग में रहें और उसमें जितने भी लोग हैं उनका बहुत बड़ा खर्चा जो है उसमें वो ज़्यादा इच्छुक नहीं थे आने के लिए। लेकिन ये था कि 1948 की शुरुआत में एक ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू को मन बनाना पड़ा यहाँ आने के लिए, और वो घटना थी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का जो
उनकी हत्या हुई तीजनवी लेन में, जहाँ पे वो प्रार्थना सभा को संबोधित कर रहे थे, या उसके बाद जो भी है। तो उस घटना के बाद यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियाँ थी उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ भी इस तरह कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो किसी तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने और दूसरे उनके मंत्रिपरिषद के सहयोगियों ने उनको मनवाया। मनाने के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू तैयार हुए कि वो यहाँ पर आए। संविधान को समर्पित आखिरी गैलरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को समर्पित है। संविधान लागू होने से लेकर संविधान के 105वें संशोधन को यहाँ डिजिटल स्क्रीन के थ्रू दिखाया गया। यानी अगर आपको संविधान के 105वें संशोधन के बारे में जानकारी चाहिए, या आपको संविधान संशोधन के बारे में जानकारी चाहिए, या आपकी इच्छा होती है कि देश में पहला संविधान संशोधन कब और किस विषय में किया गया, इस पर क्लिक करते ही आपको पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस म्यूजियम इज दैट द होल आइडिया व्हेन इट वाज कंसीव्ड was to build a museum that would be attractive to all age groups and make it very interactive, and it's a kind of immersive experience when you visit the galleries, and that's the whole purpose of this. अब हम ब्लॉक वन के प्रथम तल पर हैं। प्रथम तल पर आप देखते हैं कि पार्टीशन 14 अगस्त की मध्यरात्रि में जब देश को आज़ादी मिली तो साथ साथ बंटवारा भी मिला, और बंटवारा मिलने से हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा, एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा भारत कहलाया। बड़ा ही हृदय विदारक माहौल था उस समय, क्योंकि कम्युनल राइट्स उत्पन्न हो गए और लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ और जा रहे थे। सो इसमें मुख्य बात ये है कि इट इज़ ए वेरी ब्यूटिफुल बैलेंस बिटवीन द डिजिटल element and also original artifacts which we are displaying and we continue to display. खासकर नेहरू जी के जो ब्लॉक वन बिल्डिंग में है, आप देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम हिज लिविंग रूम, सिटिंग रूम एंड अदर थिंग्स, वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ ओरिजिनल आर्काइवल कंटेंट ऑफ films, films relating to the freedom of India, early days of freedom, और ये films भी एक तरीके के artifacts हैं। ये फिल्म्स अपने में 50 साल से पुरानी है, तो ये हम लोग ने गवर्नमेंट सोर्सेज से ओरिजिनल फिल्म्स जो सोर्स की हैं, इसको भी उसी रूप में हम लोग को देखना चाहिए जो एक म्यूजियम आर्टिफैक्ट है। अब हम प्रधानमंत्री संग्रहालय की यात्रा प्रधानमंत्री को समर्पित गैलरी से करते हैं। पहली गैलरी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित, तो ये आप अर्ली लाइफ आप देख सकते हैं। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म से लेकर उनके 1945 तक की यात्रा को दिखाया गया है। उनका जन्म जो सभी जानते हैं 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ, फिर उच्च शिक्षा के लिए वो ब्रिटेन गए, फिर उनका विवाह कमला नेहरू जी के साथ हुआ, फिर हिंदुस्तान वापस आने के बाद किस तरह वो गांधी जी के साथ हो ली और हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बेडरूम, इसी कक्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 27 मई 1964 को मृत्यु भी हुई, 27 मई 1964 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री इसी कक्ष में अपनी अंतिम सांसें ली। इस कक्ष से आगे बढ़कर बढ़ते हैं हम, और हम स्टडी रूम पर आ चुके हैं। स्टडी रूम, ये सारे बुक्स जो आप देख रहे हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का व्यक्तिगत कलेक्शन है, पर्सनल कलेक्शंस है। साथ ही साथ तमाम अन्य चीज़ें भी यहाँ रखी गई हैं, जिसमें से मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको कि ये छोटी छोटी डायरीज रखी गई हैं टेबल पर। ये श्रीमद् भागवत गीता की अंग्रेजी वर्जन की कॉपी है जो श्रीमती एनी बेसेंट ने ट्रांसलेट की। अब हम सिटिंग रूम की तरफ आ चुके हैं। सिटिंग रूम, जब भी VVIP डेलीगेट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में आते थे तो नेहरू जी इसी कक्ष में देश विदेश के तमाम महत्वपूर्ण नेताओं से यही मिला करते। 1948 में यहाँ पे आने के बाद जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से लेकर और 1964 तक उनकी डेथ तक या उनकी मृत्यु तक, ये जगह राजनीतिक गलियारों में एक बहुत बड़ा केंद्र होता था। देश विदेश की सभी घटनाओं का या देश विदेश की जितनी राजनीतिक घटनाएं जो भारत से संबंधित होती, उसका केंद्र यही जगह रहती थी। और यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो हैं, क्वीन एलिजाबेथ,
दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष भी यहाँ पर लगातार आते रहे और जवाहरलाल नेहरू से यहाँ पे एक प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ मिलते रहे। तो ये इस तरीके से कि जवाहरलाल नेहरू क्योंकि एक उस वक्त के एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे और उनके टाइम में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि देश 1947 में नया नया आज़ाद हुआ और उसके बाद देश को इस स्तर तक ले आना था कि वो इस दुनिया में अपने एक स्टेटस बना सके। अब हम नेहरू गैलरी में आ चुके हैं। नेहरू गैलरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रधानमंत्री रहते हुए देश की नेतृत्व को दिखाता है कि किस तरह और किन तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक देश का नेतृत्व किया, देश का मार्गदर्शन किया और देश के विकास में अपना योगदान दिया। इधर आप देख सकते हैं प्रथम आम चुनाव फर्स्ट इलेक्शन जो अक्टूबर 1951 से शुरू होकर मार्च 1952 तक चला, देश में पहला आम चुनाव था, गोवा का विलय हिंदुस्तान में, साथ ही साथ महत्वपूर्ण संस्थान और डैम्स जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा करते थे, ये उनके प्रधानमंत्री काल में किए गए कार्यों को यहाँ पर दिखाता है। एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रधानमंत्री संग्रहालय इज दैट एज यू गो थ्रू द गैलरीज इट इज एक्चुअली द जर्नी ऑफ इंडिया ओवर द लास्ट 75 ईयर्स। ये आज़ादी के अमृत काल हम जो कहते हैं, दिस 75 ईयर जर्नी इज समथिंग which you can see here through this museum starting from 1947 until now, and this is the year where we are celebrating the 75th anniversary of our republic, and these are very exciting times, and those who go around the galleries will realize where we began as a nation and where we are right now, and that gives them a great sense of pride as they see the journey of India socially, economically, politically. अब हम डिमाइस ऑफ नेहरू इस गैलरी में आ चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 27 मई 1964 को अपने देह को त्याग दिया था उन्होंने, और इसी भवन के शयन कक्ष में उनकी मृत्यु हुई थी, जैसा मैंने आपको पहले ही दिखाया, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम यात्रा तीन मूर्ति भवन से शांति वन की ओर जाती है। अब इधर हम आपको तोशाखाना ले चलते हैं। तोशाखाना देश के प्रधानमंत्रियों को मिले हुए उपहारों का कलेक्शन है, और वर्तमान समय में देश के 4 प्रधानमंत्रियों के मिले उपहारों को यहाँ दिखाया गया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिले उपहार को यहाँ तोशाखाना में प्रदर्शित किया गया है। तो ब्लॉक वन में या प्रधानमंत्री संग्रहालय के प्रथम भवन में इस संग्रहालय की यात्रा यहां समाप्त होती है। यह वीडियो प्रधानमंत्री संग्रहालय के ब्लॉक 1 के दौरे को पूरा करता है। अगले वीडियो में हम आपको ब्लॉक 2 के दौरे पर ले जाएंगे, जहां आप अपने आप को समर्पित एक अनोखे संग्रहालय में एक गहन अनुभव में व्यस्त कर सकते हैं, जहां आप भारत के अन्य 14 प्रधानमंत्रियों और देश के अतीत से जुड़ी विरासत का पता लगाएं और उनके प्रयासों के बारे में जानें, जिन्होंने भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित की है।